वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे रशिया और यूक्रेन वॉर को लेके। हम लोग देखे थे कि 24 फरवरी 2022 में ये वॉर स्टार्ट हुआ था, और जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था तो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था ये जो वॉर है ये बहुत ही एक शॉर्ट टाइम में होगा और जल्दी से ये वॉर ख़त्म हो जाएगा और रशिया जो है वो ये वॉर जीत जाएगा। मगर प्रेजेंटली जो सिचुएशन है ये एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। अगर हम लोग देखें कि ऑलरेडी 2.5 साल होने को चला है फिर भी ये जो वॉर है ये चलता ही जा रहा है, तो इसके पीछे एग्जैक्टली रीज़न क्या है? रीज़न है वेस्टर्न कंट्रीज़, क्योंकि यूएस और यूएस के जो एलाइज है और साथ ही साथ जो नेटो में जो सारे कंट्रीज है हर कोई यूक्रेन को बैकअप प्रोवाइड कर रहे हैं और यूक्रेन को वो लोग अपने तरफ से वेपन भी सप्लाई कर रहे हैं कि भाई आप लोग जो है आपका जो वार है अगेंस्ट रशिया वो आप करते जाओ, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और इसके वजह से यूक्रेन जैसा कंट्री 2.5 साल से रशिया के साथ लड़ते जा रहा है। तो प्रेजेंटली अगर देखा जाए ये जो वार है इधर ये वार एंड हो जाएगा और ये एस्केलेट होगा, इसका चांसेस जो है अभी बहुत हाई है। क्यों मैं ये बोलूँ मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तो जैसे मैं आपको कहा कि 2.5 साल से ये वार चल रहा है और ये वार जब शुरू हुआ था और आज के डेट में अगर देखा जाए तो डिफरेंट कंट्रीज़ जो है डिफरेंट टाइम में मेनली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो यूक्रेन को बैकअप प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन्स हो, साथ ही साथ यूएस जो है वो अपने तरफ से सबसे ज़्यादा सपोर्ट यूक्रेन को प्रोवाइड किया है, जिसमें यूएस ने अपने तरफ से जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है वो भी प्रोवाइड किया है। मगर ये सब सपोर्ट प्रोवाइड करने से पहले यूएस ने यूक्रेन के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया। इस एग्रीमेंट में कहा गया कि भाई हम लोग आपको जो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे मतलब जो भी वेपन हम लोग आपको देंगे वो आप अपने डिफेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो, या फिर वो आप अपने जो टेरिटरी है मतलब जो टेरिटरी आपका यूक्रेन का है उसके अंदर या फिर बॉर्डर रिलेटेड एरिया में यूज़ कर सकते हो, मगर वो हथियार आप कभी भी जाके रशिया के अंदर रशियन टेरिटरी के अंदर आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये जो एग्रीमेंट था इसमें ज़ेलेंस्की ने एग्री किया और उसके बाद ही आगे जाके ये वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन्स डिफरेंट टाइम में यूक्रेन को सप्लाई करता गया। ऑलरेडी 2.5 साल हो चुका है जिसके वजह से हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ के जो गवर्नमेंट है बहुत बड़ा इलेक्शन भी हुआ है और गवर्नमेंट भी चेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यूके को ले ले, यूके में पहले जो गवर्नमेंट था ऋषि सुनक का, अभी ऋषि सुनक नहीं रहा। तो गवर्नमेंट जब भी चेंज होता है कोई कंट्री में तो जो गवर्नमेंट का व्यू होता है वो ऑब्वियसली चेंज हो जाता है। एक टाइम में ब्रिटेन अपने तरफ से भर भर के यूक्रेन को वेपन का जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर रहा था, और आज के डेट में अगर देखा जाए जो ब्रिटेन का व्यू है वो कम्प्लीटली उसके अगेंस्ट में है। ब्रिटेन का कहना है कि भाई हम लोग अभी जो है यूक्रेन को कोई जो एमुनेशन से या फिर जो वेपन से ये हम लोग सप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि ये जो वेपन से ये जो इंटरनेशनल लॉ है उसके खिलाफ ये यूज़ किया जा सकता है, जिसके वजह से हम लोग ये सप्लाई जो है ये कम्प्लीटली बंद कर रहे हैं। और इसको देखते हुए ही यूएस ने अपने तरफ से यूके के साथ एक मीटिंग फिक्स किया जिसमें उन लोगों का जो टॉप ऑफिशियल्स है वो लोग मिलने वाले थे, जिसमें बहुत सारा टॉपिक डिस्कशन होगा। और अमंग ऑल दोस टॉपिक जो मेजर टॉपिक है वो है यूक्रेन के आगे जाके यूक्रेन को जो हथियार है वो सप्लाई किया जाए या नहीं। ऑन द अदर साइड जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो लोग भी अपनी तरफ से धीरे धीरे ये जो यूक्रेन को वेपन सप्लाई का जो चेन है इसमें इंटरेस्ट जो है ये धीरे धीरे खो रहा है। अगर ज़ेलेंस्की का जो रिक्वेस्ट है ये वेस्टर्न कंट्रीज या फिर ये नेटो जो कंट्रीज है यूएस को इससे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रशिया अपने तरफ से एग्रेसिवली यूक्रेन का जो डिफरेंट पार्ट है उसको कब्जा रहा है और जिसके वजह से ज़ेलेंस्की का डिमांड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। प्रेजेंटली ज़ेलेंस्की ने अपने तरफ से यूएस गवर्नमेंट को बोला कि उन लोगों को परमिशन देना चाहिए कि यूएस ने जो लॉन्ग रेंज मिसाइल दिया था वो जाके ज़ेलेंस्की रशिया के टेरिटरी के अंदर यूज़ करेगा अगेंस्ट रशिया। तो नो डाउट यूएस ने अभी तक इसको अलाउ नहीं किया। ऑन द अदर साइड जब ये बात पुतिन तक पहुंचा पुतिन ने अपने तरफ से कम्प्लीटली वार्निंग दे दिया। पुतिन ने कहा कि अगर कोई भी यूएस का वेपन रशियन टेरिटरी के अंदर आता है या फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज़ करने का परमिशन यूक्रेन को दिया जाता है, जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल यूएस मैन्युफैक्चर किया है और वही उन लोगों को सप्लाई किया है, मगर यूएस ने परमिशन नहीं दिया, अगर इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और ये वार जो है ये सिर्फ अगेंस्ट यूक्रेन नहीं, ये रशिया वर्सेस यूक्रेन नहीं रहेगा, ये आगे जाके रशिया वर्सेस यूएस साथ ही साथ जो नेटो अलाइज है जितना सारे भी कंट्रीज है उन लोगों के साथ छिड़ जाएगा। तो हो सकता है कि अगर यूएस परमिशन देता है यूक्रेन को एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये वॉर जो है ये एस्केलेट होकर नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, जिसमें यूएस वर्सेस रशिया साथ ही साथ नेटो जो है वो यूएस को सपोर्ट करेगा। ऑन द अदर साइड अगर यूएस इसमें इन्वॉल्व होता है तो चाइना भी इन्वॉल्व होगा और चाइना के सपोर्टिंग जो कंट्रीज है या फिर रशिया के सपोर्टिंग जो कंट्रीज है वो लोग भी इन्वॉल्व होगा। तो कम्प्लीटली अगर देखा जाए ये आगे जाके एक वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होने का चांसेस बहुत हाई है।
तो ये सब देखते हुए ही यूएस ऑफिशियल ने अपना मीटिंग फिक्स किया है ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ, जिनमें उन लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द यूक्रेन के आगे जाके यूक्रेन को क्या क्या अथॉरिटी प्रोवाइड किया जाए या फिर नहीं दिया जाए। ऑन द अदर साइड जो ब्रिटेन अपने तरफ से हथियार का जो सप्लाई बंद कर दिया है यूक्रेन को लेकर, उसमें भी इस मीटिंग में बात होगा। तो होपफुली इसमें कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाएगा और उसी डिसीजन पे यूएस और जो नाटो अलाइज है वो लोग अपने तरफ से स्टिक हो जाएंगे। ऑन द अदर साइड अकॉर्डिंग टू दैट रशिया रिएक्ट करेगा। एक और फैक्टर इसमें काम करता है वो है यूएस का इलेक्शन। हम लोग को पता है कि यूएस में राउंड अबाउट 75 डेज में इलेक्शन होने वाला है, और अगर यूएस में इलेक्शन होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस के जो सिटीजन्स है वो लोग वार पसंद नहीं करते, वो लोग को शांति से रहना है। तो अगर यूएस मतलब प्रेजेंटली जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यूएस का, वो अगर परमिशन दे देता है यूक्रेन को कि जाओ आप हम लोग का जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है वो जाके रशिया टेरिटरी में आप यूज़ कर सकते हो अगेंस्ट रशिया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पुतिन जो है वो अपने तरफ से ये वॉर को नेक्स्ट लेवल में ले जाएगा और ये एस्केलेट होके आगे अगेंस्ट यूएस हो जाएगा। तो अगर इलेक्शन से पहले यूएस वर्सेस रशिया ये वॉर स्टार्ट हो जाता है तो इसका जो इफेक्ट है तो नो डाउट वो यूएस इलेक्शन में पड़ेगा। डेमोक्रेटिक पार्टी अभी ये अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी इस टाइम में यूएस किसी के साथ वार में जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसका जो इफेक्ट है उन लोग का वोट पे आएगा, और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जिसका चांसेस अभी 50-50 में लगभग चल रहा था, कुछ दिन पहले कमला हैरिस ने वो डिबेट जीता था जिसमें कमला हैरिस का थोड़ा सा जो पॉइंट है वो बढ़ गया था। हो सकता है कि अगर ऐसा कोई वार अभी छिड़ जाता है तो आगे जाके रिपब्लिकन जो पार्टी है वो अपने तरफ से इसको काफ़ी यूज़ करेगा, और यूएस का जो इलेक्शन है उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी जो कमला हैरिस है सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा रिगार्डिंग दिस वार इफेक्ट। तो इसके वजह से यूएस नहीं चाहेगा अपने तरफ से कि भाई अभी ये वार हो, और अगर ये सब सोचते हुए यूएस ने अपने तरफ से यूक्रेन को परमिशन नहीं देता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम धीरे धीरे ज़ेलेंस्की का जो पावर है ये घटता जाएगा और रशिया अपने तरफ से ज़्यादातर जो जगह है यूक्रेन में वो कब्जा लेगा। ऑलरेडी रशिया ने यूक्रेन का डिफरेंट जो पार्ट है वो ऑलरेडी कब्जा लिया, और हो सकता है कि अगर ज़ेलेंस्की के पास एक्स्ट्रा कोई मिसाइल्स या फिर एक्स्ट्रा वेपन्स या फिर एक्स्ट्रा पावर उनको प्रोवाइड ना किया जाए तो रशिया जो वार है ये जीत जाएगा। तो ये सब देखते हुए हम लोग ये कह ही सकते हैं कि ये जो वार है अभी एक टर्निंग पॉइंट पे है, इधर ये वार जो है ये एस्केलेट होकर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा और ये जो वार है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आने वाले जो 5-6 महीने हैं ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यूएस में इलेक्शन होगा, यूएस में इलेक्शन में कौन जीतेगा अकॉर्डिंग टू दैट गवर्नमेंट अपने तरफ से क्या डिसीजन लेगा। अगर ट्रंप जीत जाता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ट्रंप जो है ये वॉर को ख़त्म कर देगा, क्योंकि ट्रंप का कहना है कि भाई पुतिन जो है उनका दोस्त है और वो ज़ेलेंस्की को इस लेवल पे स्पून फीड नहीं करेंगे। तो ऑन द अदर साइड अगर डेमोक्रेटिक पार्टी भी जीतता है तब जो व्यू रहेगा कमला हैरिस का रिगार्डिंग दिस वॉर मुझे नहीं लगता कि वो सेम रहेगा जो अभी है। तो आगे क्या होगा ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। होपफुली इसका जो नेक्स्ट अपडेट है ये बहुत जल्दी हम लोग को मिल जाएगा। जैसे ही कुछ अपडेट आता है मैं आप लोगों के लिए अलग सा वीडियो बना दूंगा, एंड होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखने हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU SPACE PAUL को जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी सब्सक्राइब कर रहे हैं तो जो बेल आइकन है उनको क्लिक कर दीजिए, क्योंकि डिफरेंट टाइम में वीडियोज आता है, जब भी आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ऑन द अदर साइड चैनल में जो भी वीडियो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए। इससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है उन तक पहुंचता है कि आपको क्या देखना अच्छा लगता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।